स्वागत है दोस्तों दुनिया की ग्रेटेस्ट क्रिकेट स्टेडियम में। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम में से भी है। ये 1,00,000 से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी है और आज के व्लॉग में आइए इसका एक टूर करते हैं। MCG की कंडीशंस ऑफ एंट्री बहुत ज्यादा हैं। ड्रग्स, अल्कोहल, ग्लास कैन, टॉन ऑफ पेपर। स्टेडियम के बाहर ही शेन वॉन का बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ है और अब एंट्रेंस कर रहे हैं हम स्टेडियम के अंदर। बहुत ही बड़ा स्टेडियम लग रहा है। It just reminds me so much of the match we saw in Dubai. But this looks way, way bigger. It is Dubai bigger. Dubai had only 2 levels and this has like 1, 2, 3. It almost looks like they're sitting up there also. Yeah. अब हम नीचे इनके changing rooms देखने जा रहे हैं। जब वो walk out करते हैं तो यहीं से ही करते हैं लगता है। लेकिन यहाँ अंदर एक garage सी है। Players change room. Only on match days. International cricket honour boards. These are all the international cricketers that have scored centuries. Media area. If we ever came at the matches, that's where we would sit. ये है एक्चुअली में मेन एंट्रेंस जहाँ से सारे प्लेयर्स निकल कर जाते हैं और इसके पीछे देखोगे तो सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और पीछे लंच और डिनर की जगह है जहाँ पे टीम्स खाना खाती हैं। एक फ्लोर ऊपर आए हैं और ये प्रैक्टिस का एरिया है जहाँ पे क्रिकेटर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। सच ए VIP रूम। द प्लेयर्स यहाँ पे बैठते हैं। ऑन TV इट ऑलवेज लुक्स मोर ग्रैंड देन इट इज। जो TV में आप देखते हो क्रिकेटर्स यहाँ बैठे होते हैं और जब कोई भी विकेट गिरती है तो वो यहाँ से चल के जाते हैं ऐसे ऐसे इस ग्रीन स्ट्रिप से नीचे 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 वहाँ से एंट्री मारते हैं। एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि क्रिकेट पिच नहीं दिख रही कहीं पर यहाँ फील्ड में। इसके पीछे रीजन ये है कि इसे ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल के लिए यूज किया जा रहा है अभी और इन्होंने बताया कि एक्चुअली में ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड 90% ऑफ टाइम सिर्फ ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, क्रिकेट के लिए कम इस्तेमाल किया जाता है। तभी ये डंडे पोल से देख सकते हो यहाँ पे आप। And this is the place where all the players sit. And this space right here is reserved for family members and guests of the players. And interestingly, these two are where the two teams are. So दोनों टीम काफी close बैठती हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच हो रहा है, एक टीम यहाँ और यहाँ पे दोनों मिलजुल सकते हैं। तो कोई no barrier, no separation. Yeah. Now we're in the museum section. तो यहाँ पर एक आइकॉनिक फोटो लगी है डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर की, जिसे ये कहते हैं कि ये मोना लिसा इक्विवेलेंट है क्रिकेट के इतिहास में। ये फोटो जो है सेम लेवल पर इस फोटो को रखा जाता है और आज अगर इसे कभी बेचा जाएगा तो इतने मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकेगी ये फोटो और दोनों के साइन आपको इस फोटो पर दिख जाएंगे। अब हम तीसरे लेवल पर खड़े होकर देख रहे हैं जो नजारा यहाँ से दिखता है। ये सबसे ऊपर वाला नहीं है इंटरेस्टिंगली, क्योंकि इसके ऊपर एक और स्टैंड है, यहाँ भी खड़े होकर देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ से क्या जो व्यू दिख रहा है लगेगा कि बहुत दूर है, देखा नहीं जा सकता मैच यहाँ से, लेकिन यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है कि प्लेयर्स के चेहरे तक दिख सकते हैं। तो एक ये फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। जो कॉमेंटेटर्स बैठते हैं वो सेम लेवल पर बैठ रहे हैं और बाकी जो यहाँ स्टैंड्स देख रहे हो कॉर्पोरेट स्टैंड्स हैं, बड़े महंगे होते हैं, पूरे बॉक्सेस हैं जो कंपनीज खरीद सकती हैं, इंडिविजुअल्स यूजुअली नहीं खरीदते इतने क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं होते वाली सीट खरीदने के। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल के लेजेंड्स को हाईलाइट कर रखा है, हिस्टोरिकल फोटोज उनकी। '1895 की पेंटिंग है, तब देखो ये कैसा दिखता था यही वाला स्टेडियम। इन्होंने बताया कि उस जमाने में लोग ऊपर खड़े होकर भी देखा करते थे।
इस बड़ी सी पेंटिंग के टॉप पर कपिल देव है जो बने हुए हैं, और सचिन तेंदुलकर भी है, इमरान खान भी दिखा रहे हैं। ये इनके MCG के मेंबर्स की रिजर्व्ड सीटिंग है जो 50 साल से ज्यादा के मेंबर्स हैं। ओवरऑल देखकर लगता है कि ऑलमोस्ट सारी जगहें स्टेडियम में बैठने के लिए अच्छी होंगी, क्योंकि हर जगह से अच्छा व्यू आ रहा है, एक्सेप्ट ये जो पीछे वाली सीट्स हैं, यहाँ वाली सीट्स हैं जो लोअर रोज में है, क्योंकि ये व्यू ब्लॉक कर देती हैं थोड़ा सा। हालांकि मैच वहाँ पे हो रहा है, लेकिन अगर किसी ने छक्का मारा तो आपके व्यू से बाहर चला जाएगा। ये सारी सीट्स जो पीछे शेड में हैं, So that was the cricket stadium tour. Now on to the world's longest lunch. Are you ready? Are you hungry? I'm very hungry. यहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा लंच होने वाला है। क्या कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला है, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, कि कितना लंबा होगा ये। देखते हैं कैसा होता है। और यहाँ लगता है होने लग रहा है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लंच। स्वागत है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लंच में। यहाँ से टेबल लगी हुई है, एक जो टेबल पता नहीं कहाँ तक जा रही है, देखेंगे कहाँ तक जाती है। अभी नोटिस किया कि यहाँ से टेबल शुरू हो रही है, वहाँ कहीं घूम के जा रही है, लेकिन वापस आकर यहाँ तक आ रही है। यहाँ पे गैप है इस टेबल में, नहीं तो लोग इधर उधर आ नहीं सकते, नहीं तो एक ही स्ट्रेच में होता तो पता नहीं कहाँ तक जाते रहता। वहाँ पीछे भी दिखने लग रहा है। Where is it? Veg? Veg. लगता है मेरी सीट है यहाँ पे 393 सीट। Yeah, this is it. Oh, you're here. Good. We have our own hat also. Yeah. No, wait, wait, this no, no, no. Fancy. You look like guy in the movie Shah Rukh Khan in Pathaan. No, in this movie we're इन्होंने एक सनस्क्रीन भी दिया है यहाँ पर लगाने के लिए, क्योंकि इतनी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में यूवी इंडेक्स हमेशा ज्यादा ही होता है, अल्ट्रा वायलेट ज्यादा बेकार होती है यहाँ पे। मेन्यू में देखते हैं क्या है यहाँ पर मेरे में। टार्टलेट ऑफ लेट सीजन हूप हाउस वेजिटेबल्स, मेन कोर्स इज डक, वेज लिखा है। ओह दैट्स अ नॉर्मल वन, आई थिंक यू हैव अ डिफरेंट वन। हाँ, चार अलग अलग ग्लासेस दिए हैं हर एक आदमी के लिए, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है यहाँ पर, वाइन, बियर, वाटर, सोडा, कॉफी। हालांकि मैं इन सब में से बस पानी पीता हूँ। तो ये पहला कोर्स आ गया है जो कि एक्चुअली में टार्लेट ऑफ लेट सीजन हूप हाउस वेजिटेबल्स है, और ये है मेन कोर्स मेरा जो कि एक कैबेज है एक्चुअली में। एंड व्हाट इज योर मेन कोर्स? डक, आई मीन डक। लेट मी ओपन द मेन्यू फॉर यू, यू नो इट इज डक ब्रेक रोस्ट फेक एगप्लांट एंड रेडिचियो। दैट्स रेडिचियो। आज का दिन बड़ा बिजी रहा है, लेकिन एक एक्टिविटी अभी भी करनी बचती है, ये है स्काई डाइविंग, मेलबर्न में स्काई डाइविंग।